सो हेलो गाइस, दिस इज़ मुकुल एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल मुकुल। सो आज की इस वीडियो में हम गेम प्ले करेंगे GTA 5 का। अब आप कहेंगे कि भाई GTA 5 का तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो GTA 5 का गेम प्ले दोबारा क्यों कर रहे हो? सो GTA 5 का गेम प्ले दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देख लिया होगा कि मैंने 16 GB रैम कर ली अपने लैपटॉप में। तो रैम कौन सी यूज़ करी थी मैंने, वो आप उस वीडियो में आकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम गेम प्ले करेंगे GTA 5 का 16 GB रैम में, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लैपटॉप आपको पता ही होगा मेरा लैपटॉप कौन सा है, मेरा लैपटॉप है लेनोवो लीजन 5 जो कि आता है। इसकी स्पेक्स भी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रैम दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 GB रैम है जिसमें से 15.9 GB यूजेबल है। अब आप कह रहे होंगे भाई अगर मेरा लैपटॉप यही वाला है या फिर आपका कोई सा भी लैपटॉप है तो उसमें तो 15.4 समथिंग ही बताता है। तो वो इसलिए बताता है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने GPU 1 को डिसेबल करके रखा है, ओनली GPU जो मेन GPU है एक्सटर्नल GPU वो है। तो अगर आप एक्सटर्नल GPU ओनली रखते हैं, GPU 1 को डिसेबल कर देते हैं जो कि आपका AMD Radeon रहता है, तो आपको 15.9 GB यूजेबल दिखाएगा। और अगर आप उसको इनेबल करके रखते हैं, मतलब अगर आप उसको डिसेबल नहीं करते हैं, तो आपको 15.4 GB दिखाएगा। सो अगर आपको और इस वक्त देखना है लैपटॉप की तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मैंने गेम को यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और गेम ओरिजिनल वाला है जो कि मैंने एपिक गेम से डाउनलोड किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें कितना FPS मिलता है 16 GB रैम करने के बाद, क्योंकि 16 GB रैम से पहले जब हमने 8 GB में किया था तब तो आपने देख लिया होगा कि कितने अंदर FPS मिल रहे थे। तो अभी हम देखते हैं 16 GB रैम के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। सो चलिए, मैंने गेम को वैसे स्टार्ट कर दिया था तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो अभी फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी फुल स्क्रीन देखते हैं, फुल स्क्रीन आने देते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने को सब्सक्राइब कर लेना। सो गेम स्टार्ट होने देते हैं और हम गेम प्ले करेंगे अपने गेम पैड MyGT से। तो इसको आप परचेस नहीं कर सकते हैं, बट इसका जो अल्टरनेटिव है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें आपको एक इसका अल्टरनेटिव बता दिया है। सो अभी तो बहुत कम FPS दिखा रहा है, पहले हम सेटिंग्स में चलते हैं। देखिए रेजोल्यूशन है वो फुल HD वाला है, एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर 16:9 है, 120Hz, और ये सब ऑफ है, VSync भी ऑफ है, और यहाँ पर देखिए ये सब कुछ वेरी हाइपर है, देखिए एज यू कैन सी। सो जो कुछ वेरी हाइप हो सकता है मैंने उसको सब कुछ को वेरी हाइप कर दिया है। और ये डायरेक्ट टैक्स ये तो 11 पर ही रहेगा, ये 11 पर। चलिए अब करते हैं गेम प्ले। सो नाउ अभी देखते हैं कि अंदर आप स्टोरी मोड में जाने के बाद कितना FPS मिलता है। अगर आप कहेंगे तो इसका एक मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन वाली वीडियो भी बना दूंगा जिसमें 8 GB रैम में गेम प्ले और 16 GB रैम में भी कितना गेम प्ले मिलता है, आपको कितना डिफरेंस मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, मतलब एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने आपके लिए वो वाली वीडियो बनाई थी कि ओरिजिनल वाले और जो क्रैक्ड वाला रहता है उसमें कितना FPS का डिफरेंस मिलता है, तो उसी टाइप से आपके लिए एक मैं 8 GB रैम वर्सेस 16 GB रैम वाला गेम प्ले वीडियो बना दूंगा GTA 5 का, अगर आप कहते हैं तो। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि बना दूँ, बट अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे बनाना चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब गेम को जल्दी से स्टार्ट हो जाने देते हैं। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर देखिए गेम आ चुका है और जो रैम का यूसेज है वो 7.9 GB प्लस हो रहा है और CPU का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 60 प्लस है। तो चलिए अब गेम प्ले करते हैं एंड नाउ अब आप गेम प्ले का एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो देखिए अभी वेरी हाई पे भी आराम से 120 प्लस FPS आराम से मिल पा रहा है। तो अब कार चलाते हैं, उसके बाद देखिए थोड़ा FPS डाउन हो चुका है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए रैम का यूसेज बहुत सही तरीके से हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रहा है बट फिर भी रैम का यूसेज 16 GB है। ओ माई गॉड, गया बातों में बेचारा चला गया। बट इस लैपटॉप की ये खास बात है कि इसमें CPU टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता है।
सो अभी देखिए 130+ FPS आराम से मिल रहा है। तो जैसे ही हम कार चलाते हैं तो तब थोड़ा FPS कम हो जाता है। और अभी देखिए टेम्परेचर 70 को टच कर रहा है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका है, अब विंटर का सीज़न जा चुका है। सो अभी तो हम मैनुअल सेटिंग करके कर रहे हैं, अभी मैं एक बार डिफ़ॉल्ट और करके देखूंगा कि शायद डिफ़ॉल्ट से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब हम 8 GB रैम में प्ले कर रहे थे तब तो इतना अच्छा FPS मिल रहा था, अभी 16 GB रैम करने के बाद इतने कम FPS कैसे मिल सकते हैं। ओह माय गॉड, सो इफ़ एनी बैकग्राउंड नॉइज कम तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। वॉट डिड यू डू, अब तो क्राइम करना ही पड़ेगा। Thank you.
यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहाँ से होगा? ये करा मैंने डिफ़ॉल्ट, अप्लाई चेंजेस। अब रिस्टार्ट करना पड़ेगा गेम को। गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूँ एक बार। मैंने बस दो चीज़ों को छेड़ा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के बाद। एक यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है और वन इज़ वी सिंक ऑफ कर दिया है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है। नाउ अभी देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर हमें 16 GB रैम में कितना FPS देखने को मिलता है। तो पहले एक अच्छा सा थंबनेल ले लिया जाए, थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लिया जाए, आ जाए अच्छा सा तो नाइस। चलिए अब करते हैं गेम प्ले। अभी देखिए FPS बहुत कम मिल रहा है, 100 से भी नीचे मिल रहा है। और 100 से नीचे FPS मिलना डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, ये लीजन की बेइज्जती है बहुत बड़ी वाली। हम मजे आएंगे ना। FPS बहुत कम मिल रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है।